झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और अजय कुमार के इस्तीफे के साथ ही कांग्रेस के भीतर जो अंतर्कलह चल रहा था वो सतह पर आ गया है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले महानगर के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह और पूर्व प्रवक्ता जो कांग्रेस के हैं शैलेश सिन्हा, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर अजय कुमार पर निशाना साधा है। इस वक्त दोनों हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। राकेश जी, बताइएगा कि जो इस्तीफा डॉक्टर अजय कुमार दिए हैं, आप लोग कैसे दिए? देखिए, मुझे लगता है कि डॉक्टर अजय कुमार का यह इस्तीफा अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आप ही लोग के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से यह पता चला है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है, लेकिन हमें लगता है कि यह इस्तीफा एक ड्रामेबाजी है। अगर इस्तीफा देना है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपें, और हमें जो सूचना प्राप्त हुई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अभी तक यह इस्तीफा उनकी प्राप्त नहीं हुई है, तो स्वाभाविक तौर पे ये इस्तीफा एक ड्रामा है और ड्रामे के सिवा कुछ नहीं है। क्यों ड्रामा कर रहे हैं? देखिए, एक परिपाटी होती है कि नोटिफिकेशन जो करता है, हम त्यागपत्र उसी को देते हैं, तो नोटिफिकेशन किसी भी प्रदेश अध्यक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा होता है, तो अगर हम इस्तीफा देंगे तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही इस्तीफा सौंपेंगे। अगर कोई विधायक इस्तीफा देता है तो वो विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा देता है, तो उसी प्रकार प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास नहीं पहुंचना और मीडिया में चल जाना, हमें लगता है कि यह एक ड्रामा के अलावा कुछ नहीं है। आप लोग क्या चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दें? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि इस्तीफा दें नैतिकता के आधार पे, और अगर वो इस्तीफा नहीं दिए हैं तो नेतृत्व आला कमान उनको अध्यक्ष के पद से हटाए, क्योंकि डॉक्टर अजय कुमार पूरे प्रदेश में कांग्रेस का इनकाउंटर कर दिया है, वो व्यक्ति कांग्रेस को पूरी तरह नेस्तोनाबूद कर दिया है। वो व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नहीं बनना, एक साजिश के तहत जितने पुराने समर्पित कांग्रेस के विचारधारा को मानने वाले लोग, कांग्रेस में बरसों से काम करने वाले लोगों को दरकिनार कर दिया और अपने कुछ चुनिंदे चेहरों को लेकर के पूरी की पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी 2 साल चला दी इन लोगों ने, तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये मरमरिंग है कि हम 30 साल से, 20 साल से, 15 साल से पार्टी का झंडा ढो रहे हैं, पार्टी के लिए लाठी खा रहे हैं, पार्टी के लिए जेल जा रहे हैं, और कोई मौसमी चिड़ियां आकर के हमें सिखा देगा और हम सीख जाएंगे, तो ये कार्यकर्ताओं में मरमरिंग है। ये मेरी बात नहीं है, ये आम कार्यकर्ताओं की बात है, और इन आम कार्यकर्ताओं की भावना से हम लोगों ने नेतृत्व को, आला कमान को अवगत कराने का काम किया है। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह है। सुरेंद्र सिंह जी, ये तमाम जो बातें अभी आप लोग बोल रहे हैं, तो ये पहले क्यों नहीं बोल रहे थे? जुबान बंद नहीं, जुबान बंद नहीं थी, मीडिया के समक्ष हम लोग नहीं थे। आलाकमान को जरूर हम लोग रिपोर्ट करते थे, लिखित में बताते थे। जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब भी मिले हैं, 8-10 बार मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, हमने एक एक चीज बारीकी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष रखा है और उन्होंने उसको गंभीरतापूर्वक सुना है। लेकिन चुनाव का वर्ष था तो अचानक अध्यक्ष को बदलना उचित नहीं होता, इसलिए हम लोग चुप थे मीडिया के सामने आने से, और बहुत सारे क्वेश्चन होता। आज जो जिम्मेवारी डॉक्टर अजय कुमार पर आ रही है, हार की जिम्मेवारी, वो फिर अगर हम लोग आवाज़ उठाते तो कार्यकर्ता और हतोत्साहित होते और रिजल्ट खराब होता, इसलिए हम लोग उस समय चुप रहना मुनासिब समझे। आप लोग क्या चाहते हैं? कांग्रेस की मजबूती हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस मजबूत होकर उभरे, पुनः हम लोग सत्ता में आए, आम जनता का हम लोग सेवा कर सकें। लेकिन इसके लिए जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा, तमाम वरिष्ठ नेताओं से हमारी वार्ता हुई है और सब ये चाहते हैं, तमाम कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि अविलंब गैर राजनीतिक व्यक्ति डॉक्टर अजय कुमार को प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाए और नए प्रदेश अध्यक्ष बने। हम लोग राहुल जी के हाथों को मजबूत करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं। जो चाह रहे हैं कि जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने, हालांकि कई नामें सामने आएगी, तो अभी जो विधानसभा चुनाव होना है, लगता है कि उस पर कुछ असर पड़ेगा और जो महागठबंधन का स्वरूप तैयार हुआ था वही रहना चाहिए या कुछ नया होना चाहिए? देखिए, महागठबंधन तो होना ही चाहिए, महागठबंधन के पक्षधर हैं, लेकिन जिस तरह से अभी सीट बंटवारा हुआ, डॉक्टर अजय कुमार रन छोड़कर भाग गए जमशेदपुर से, उनको चुनाव लड़ने से कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं, एक मैसेज जाता, लेकिन वो रण छोड़कर भाग गए, पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए। और किन कौन सीटों को देना चाहिए था गठबंधन को, किस कौन सीट कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए था, इस पर भी विचार विमर्श नहीं हुआ, एक भी बैठक नहीं हुई।
चुनाव के बाद घोषणा होने के बाद पीसीसी की बैठक नहीं हुई, पीसीसी डेलीगेट की बैठक नहीं हुई, जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक नहीं हुई, यहाँ रांची में प्रखंड अध्यक्षों की बैठक नहीं हुई, तो क्लियर है कि सारे गैर राजनीतिक लोग यहाँ बैठे हुए थे जो कांग्रेस को डुबाना चाहते थे और वो डुबा दिए। और आज जो कांग्रेसी है वो सामने आ रहे हैं, हम लोग राहुल गांधी के लिए कांग्रेस के लिए कुछ भी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम करेंगे, पार्टी को मजबूत निश्चित रूप से करेंगे। ये तमाम बातें अब निकलकर सामने आ रही है, खास करके वो बातें जो अब तक कांग्रेस पर विपक्ष के नेता या फिर कहें सत्ता पक्ष के जो नेता हैं, बीजेपी सहित तमाम पार्टियां जो आरोप लगाती रही थी, चाहे वो कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बाहरी हैं या फिर पॉलिटिकल बैकग्राउंड के नहीं हैं, वो तमाम बातें अब कांग्रेस के अंदर से ही निकल कर सामने आने लगी है। और साफ तौर पर इसका जिम्मेदार डॉक्टर अजय कुमार को ही बताया जा रहा है। अपने सहयोगी शशि प्रताप के साथ सन्नी सारद, ABC News रांची।